घर पर है कि नहीं? अंश, अंश, अंश। अंश तुम्हारे पास है? हमारी नई नई शादी हुई है। शादी बड़ी अजीब चीज होती है सासुमा। शादी के बाद पति अपना हो जाता है लेकिन बेटा पराया। तो जाहिर सी बात है आपका बेटा भी अपनी पत्नी के पास ही होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये कीट रानी यहाँ क्या कर रही है। ओह, कहीं अंश के पीछे पीछे तो नहीं आ गई? उसे कुछ हो गया तो? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारा पति है। तुम उसकी जान खतरे में कभी नहीं डालोगी। लेकिन आप ही ने तो कहा था ना, बात जब अपने परिवार की हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, क्योंकि अब मैं दैविक नहीं सर्पिका हूँ। वैदेश्री, मैं सोच रहा था कि ये मोहना थी क्या? मोहना? हाँ। नहीं नहीं तोरा, वहम होगा जी। इस वक्त मोहना कहाँ जाएगी? वैदेश्री, वैदेश्री। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, मोहना नहीं है यहाँ पर, वो मोहना ही थी। कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। अंश, अंश तुम ठीक हो? क्या माँ? प्लीज कुछ कीजिए माँ, माँ प्रिया को बचा लीजिए माँ। अंश मेरी हेल्प करो प्लीज। प्रिया तुम्हें कुछ नहीं हुआ। माँ, माँ जल्दी कीजिए माँ। माँ प्लीज कुछ कीजिए। अच्छा नाटक था। तू जानती है तू सर्पिका है, ये चीटिया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी तूने अंश को बेवकूफ बनाया। अंश को नहीं, आपको सासू माँ। थैंक्स माँ, आज फिर से आपने पिया की जान बचाई। पिया अंश बेटा, मैं जानता हूँ कि पगफेरी की रस्म के हिसाब से मैं और मोहना जी को पिया को वापस घर ले जाना चाहिए, लेकिन पिया इस वक्त थोड़ी कमजोर है, तो अगर कुछ दिन यहीं पर आराम कर ले तो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम वहाँ उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। इनफैक्ट मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल भी कर दिया है, हमारे घर पहुँचने से पहले ही वो वहाँ पहुँच जाएंगे। अंश, मैं वहाँ किसी को परेशान नहीं करना चाहती। लगता है अभी पिया का मन नहीं है ससुराल जाने का। मैं समझ सकती हूँ, इतने सालों बाद पिया अपने परिवार से मिली और मिलते ही इसकी शादी हो गई।
इस बेचारे को तो मौका ही नहीं मिला अपने माँ बाप के साथ रहने का। अगर पिया का कुछ दिन और यहाँ रहने का मन है तो कोई बात नहीं, हम बाद में आ जाएंगे। लेकिन माँ, यहाँ पिया का ध्यान कौन रखेगा? सावी और सर दोनों को कॉलेज जाना होता है, वहाँ देखभाल करने के लिए माँ है, चाची है, आप है। आप भी समझाइए ना इसे, आपको कभी मना नहीं करेगी। पिया बेटा, अंश सही कह रहा है, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। आप कह रही है तो ठीक है सासू माँ, मैं चलती हूँ। वैसे भी आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? मैंने कहा था ना, आप खुद आएंगे मुझे घर वापस ले जाने। ठीक है, तुम मुझे अभी वीडियो सेंड करो। पानी, क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आप? चेताली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शहर में 2-3 दिनों से अजीब अजीब से हादसे हो रहे हैं। अजीब हादसे? कैसे अजीब हादसे अविनाश? भाभी, कुछ लोगों ने एक आदमी को पूरा वाटर टैंक उठाते हुए देखा और कुछ लोगों ने एक आदमी को ट्रेन से ज्यादा तेज भागते हुए देखा। कई लोगों का तो ये कहना है कि एक आदमी ने पूरा पेड़ जड़ के साथ उखाड़ दिया। ये देखिए, ये वीडियो है। अविनाश, मुझे तो लगता है कि ये सब अफवाहें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, और ऐसा हो सकता है का? भैया, ये नकली वीडियो नहीं है। जिस एरिया का ये इंसिडेंट है, ये वहाँ की CCTV फुटेज। लेकिन ये सब तो वही कर सकता है जो कोई आम इंसान ना हो। राइट भाभी, लेकिन किसी भी विटनेस ने इसकी शक्ल नहीं देखी। वो इतना तेज था कि कोई शक्ल देख ही नहीं पाया। लेकिन कई लोगों का कहना है कि वो जो कोई भी था, वो यंग है। पहले तो मुझे लगा कहीं ये अंश तो नहीं। अंश नहीं हो सकता, पहले की बात कुछ और थी। अब अंश की शादी हो चुकी है दैविक के साथ, अंश हो ही नहीं सकता। हाँ, ये मेरा अंश नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो अंश ही हुआ तो? हाँ, तो सपना है। चलिए जी। हैं? अब पहले अपनी हालत तो देखो, अपने बिल में तुम ही मुश्किल से समा पाओगी, हमें कहाँ एडजस्ट करोगी उसमें? हम बिल में नहीं जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं जी? सर्पवंश में सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती। अब तुम्हारी अजगर जैसी बॉडी और सर्पवंश का ये रूल देखो, सब गया भाड़ में, समझ गई? और हम जा रहे हैं, हम तुमको जाके दिखाएंगे। आप नहीं जा सकते, अब हम दुसर्पा है, अब हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। अब ये शरीर आधा हमारा भी तो है। देखो, तुमको जहाँ जाना है जाओ, हम तुम्हारे साथ लगेज की तरह नहीं चलेंगे। ना तो हम तुम्हारे स्टेपनी है और ना तुम्हारे हस्बैंड है, समझ गई? और सुन लो हमारी बात, हमको बताओ कि डिवोर्स कैसे हो सकता है। हमको फॉर्मूला चाहिए, हमें अभी डिवोर्स चाहिए और अभी हमको तुमसे अलग होना है। बस जो कह रहे हैं पक्की बात। फिर आपको अलग क्यों होना है जी? हम ऐसे अच्छे तो हैं। अरे कुछ अच्छा अच्छा नहीं है, हम अलग हो के रहेंगे। और हमें बताओ क्या तरीका है? तरीका तो हमें याद नहीं आ रहा अब क्या है। हम डिवोर्स लेकर आएंगे। हम नो छोड़िए छोड़िए बद्री जी।
मरना चाहेंगे तो आप भी मर जाएंगे जी। अब ये मत भूलिए कि अब हम दोनों एक ही है। हे भगवान, नहीं हम का भी गाने हैं भाई तुम्हारा। अरे हम का कोई भारत वर्ष है जो एक दूसरे से सट के रहे। अरे का राहु के तू हमारी नसीब में भिड़ा दियो भाई। अरे कोई तो होगा जो हमें इस सर्पवंशी हैवी ड्यूटी से अलग कर सके। समझो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई नमन, तुम्हें दिलरुबा बचाएगी। चली गई। अरे अरे ये तो गई। हे भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि मुसीबत टली। तुम कौन हो? दिलरुबा।